हेलो स्टूडेंट्स, यह क्लिप क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें उनके अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है। क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ, एनी के जीवन का संक्षिप्त चित्रण कीजिए, अर्थात एक तरह से एनी का कैरेक्टर स्केच ही है। आंसर है, एनी वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। एनी का जन्म 12 जून 1929 ईस्वी को हुआ था। सी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल सी वाज 4। वह 4 वर्ष की आयु तक जो है फ्रैंकफर्ट में रही। हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। उसके पिता 1933 ईस्वी में हॉलैंड जाकर बस गए। हर मदर आल्सो वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। उसकी माँ भी सितंबर मंथ में उनके साथ हॉलैंड चली गई। एनी एंड हर एल्डर सिस्टर एनी और उसकी बड़ी बहन मार्गॉट वर सेंट टू अचेन टू स्टे विथ देयर ग्रैंड मदर। एनी और उसकी बड़ी बहन मार्गॉट को अचेन भेज दिया गया उसकी दादी माँ के साथ रहने के लिए। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गॉट दिसंबर में हॉलैंड गई एंड एनी फॉलोड इन फेबरवरी और एनी भी फेबरवरी मंथ में जो है हॉलैंड गई। सी स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। वहाँ जाकर उसने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जो है अपनी पढ़ाई शुरू की। सी स्टेड देयर अंटिल सी वाज 6। वह वहाँ तब तक रही जब तक कि वह 6 साल की न हो गई। वेयर सी स्टार्टेड इन फर्स्ट फॉर्म। वहीं पर उसने अपने प्रथम कक्षा की पढ़ाई शुरू की। हर ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942। उसकी दादी माँ की मृत्यु जो है जनवरी महीने में 1942 ईस्वी में हो गई। वेन सी वाज 13। जब वह केवल 13 वर्ष की थी। तो ये इसका आंसर है, इसे नोट करके याद कर लेंगे। थैंक यू।